हेलो हाय, मैं रुपेश कुमार पाठक आप सभी को आज मैं बताऊंगा कि अपन CSVTU में डिग्री और माइग्रेशन या प्रोविजन कैसे अप्लाई करते हैं। तो डिग्री का तो आप अभी छोड़ दें, माइग्रेशन और हम प्रोविजनल देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आप अपने पहले मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में जाके CSVTU की वेबसाइट को खोलेंगे। ये मैंने खोल दिया। तो खोलने के बाद आपके पास ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट, हम डेस्कटॉप मोड में कर ले रहे हैं क्योंकि डेस्कटॉप मोड में समझने में और आसानी होगी। तो ये रहा हमारा डेस्कटॉप मोड। तो सबसे पहले ये हमारा CSVTU का पेज खुल गया है। तो हम सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। तो मैं भूल रहा हूँ कि आप स्टूडेंट लॉगिन करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों को इनपुट कर दिया है और उसके बाद मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरी आईडी खुलेगी। तो ये देखिए मेरी आईडी खुल चुकी है। तो हमें सबसे पहले नीचे आना है, लेटर एंड सर्टिफिकेट जो ये है तो इसमें हम सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट रिक्वेस्ट पे हम क्लिक करें, ये देखिए देखिए मैं पहले प्रोविजनल अप्लाई कर चुका था तो मेरा प्रोविजनल आ चुका है। तो प्रोविजनल देखने के लिए हमें ये आई का आइकॉन है, इस पर क्लिक करके डाउनलोड करना पड़ता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं। दोनों का प्रोसेस सेम है, आप सेम टाइप से अप्लाई कर सकते हैं। बस एक के डिफरेंस है कि आपको माइग्रेशन के लिए टीसी की आवश्यकता पड़ती है और प्रोविजनल के लिए टीसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अगर आपको माइग्रेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, फिर वहाँ पे जाके आप टीसी अप्लाई करें। जब आपको टीसी मिल जाए उसके बाद ही माइग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा खुल गया रुपेश कुमार पाठक बी मैकेनिकल। तो ये रिक्वेस्ट टाइप पे हमें क्लिक करना है। तो रिक्वेस्ट टाइप में सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है तो हम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट फॉर हमें क्या किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, माइग्रेशन के लिए प्रोविजनल के लिए। अगर आप प्रोविजनल अप्लाई करना चाहते हो तो आप प्रोविजनल पर क्लिक कर सकते हो, क्योंकि मैं अभी माइग्रेशन अप्लाई करूँगा इसलिए माइग्रेशन पे मैंने क्लिक करा। तो फिर ये डिलीवरी मोड ऑनलाइन सही है, और डिलीवरी टाइप अर्जेंट या नॉर्मल। तो अर्जेंट में होता है कि आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ता है, और नॉर्मल सेम है, नॉर्मल 300 रुपये लगता है। और ये रहा डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड। अगर आपको माइग्रेशन अप्लाई करना है तो सबसे पहले टीसी की आवश्यकता होनी चाहिए। तो टीसी मिलने के बाद हम यहाँ पर टीसी को PDF फाइल में कन्वर्ट कर देंगे और देन यहाँ से अपलोड करेंगे। तो मैंने अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करा है और ये देखिए ये आया। तो यहाँ पर मैं क्लिक करा कि मैं फाइल्स में कन्वर्ट करके रखा हूँ। तो फाइल्स में कन्वर्ट करने में ये देखिए पहला ऑप्शन, मैंने इसको अपलोड किया, अपलोड कर दिया मैंने फिर क्लोज। ये देखिए डॉक्यूमेंट इज सक्सेसफुली अपलोडेड। तो ये हो गया। तो फिर ये रिमार्क आप लिखे या ना लिखे दोनों सेम प्रोसेस है, आप नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। और ये देखिए अब यहाँ जाता है, देखिए फी डिटेल्स 300। ये पेमेंट का ऑप्शन आ गया हमें। सबसे पहले हम अपना कार्ड नंबर एंटर करेंगे, फिर एक्सपायरी डेट होती है जो कार्ड में ही लिखा होता है, फिर CVV जो कार्ड के पीछे लिखा होता है, फिर कार्ड होल्डर का नाम अपन इनपुट करेंगे, फिर मेक अ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो हमारा ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और CSVTU से 2-4 दिन में ही माइग्रेशन आ जाएगा आपका। तो ये रहा मेरा पहला वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त लोग को भी बताएं कैसे माइग्रेशन और प्रोविजनल अप्लाई करें। बिकॉज़ बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कैसे अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।